स्टूडेंट, दिस इज़ योर जनरल साइंस बुक। कल हमने जो टॉपिक देखा था साइंस की, हमने तारीख देखी थी। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं कॉपी पर, उनके बारे में आप देख लें कि पहला जो सवाल है वो आपका है कि साइंस की तारीख के बारे में, साइंस की तारीख के बारे में आप बताएं। फिर उसके बाद सेकंड सवाल है कि यूनानी फ़िलासफ़र का दुनिया के बारे में क्या नज़रिया था। तीसरा सवाल है इस्लामी कीमियागरी के दौर के बारे में आपने बताना है। तो सबसे पहले है आपका साइंस की तारीख के बारे में आपने बताना है। तो साइंस इतनी ही कदीम है जितनी कि तारीख। इंसान की तख्लीक के साथ ही साइंस की तारीख का आगाज़ हुआ। इंसान ने पहली मरतबा लकड़ी को जलाकर आग हासिल की तो कुदरती तौर पर जलने का अमल दरियाफ्त हुआ। इस अमल के साथ ही इंसान ने यह भी दरियाफ्त किया कि लकड़ी तो जलती है लेकिन पत्थर नहीं जलता है। यानी साइंस इतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसान खुद पुराना है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाता है यूनानी फ़िलासफ़र्स का दुनिया के बारे में क्या नज़रिया था। तो दुनिया के बारे में इनका ये नज़रिया था कि ये दुनिया चार एलिमेंट से मिलकर बनी है, हवा, पानी, मिट्टी और आग। इन बागी हवा, पानी, मिट्टी और आग आपस में एक ख़ास तनासुब से मिलते हैं तो दूसरी चीज़ें बनती हैं। फिर तीसरा सवाल है इस्लामी कीमियागरी के दौर के बारे में आपने बताना है। तो इस्लामी कीमियागरी का दौर जो है वो 600 से 1400 सन ईस्वी का दौर कहलाता है। इसमें मुख्तलिफ आलात दरियाफ्त हुए थे। इसमें मादे के ख्वास का मुतालिया किया गया था। मादा आप किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसे हम मादा कहते हैं। तो जिस तरह तजर्बा करने के लिए हमें आलात की ज़रूरत होती है, जैसे खाना पकाने के लिए बर्तनों की ज़रूरत होती है, इसी तरह तजर्बा करने के लिए हमें मुख्तलिफ बर्तनों की ज़रूरत होती है। उन बर्तनों को हम आलात कहते हैं। इसमें अब एक आलात रिटार्ट वगैरह ये चीज़ें दरियाफ्त हुई और इनको आज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका आज का लेक्चर है। ये तीनों सवाल आपने अपनी कॉपी पर करने हैं। ये वीडियो लेक्चर भी है, इसकी पिक भी मैं आपको साथ ही सेंड कर रही हूँ, ठीक है? तो इसकी हेल्प से जो है ना, आपने नीट कॉपी पर अपने ये तीनों सवाल जो है, आपका जो टॉपिक है साइंस की तारीख में, उसमें ये तीन सवाल आपके बनते हैं। तो ये तीनों आपने करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।